हेलो टीचर्स, मैं हूँ मनीषा राठौड़ और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो आई गॉट कर्मयोगी मिशन के तहत कार्मिकों के पंजीकरण का ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है शिक्षा विभाग के लिए वो जारी हो चुका है, जिसका ये आदेश आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का ये आदेश है, जिसमें विषय है कि कर्मयोगी मिशन के तहत समस्त कार्मिकों का पंजीकरण करवाने हेतु, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि स्कूल शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण या कर्मचारीगण का कर्मयोगी मिशन के तहत आगामी 7 दिवस में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना है। अतः आपके अधीनस्थ समस्त अधिकारियों या कार्मिकों को उक्त पंजीकरण करवाने हेतु पाबंद करना सुनिश्चित करें। समस्त संस्था प्रधान प्रासंगिक पत्र के प्रदत्त निर्देशों को अक्षरशः पालना करते हुए समस्त शिक्षकों और अन्य कार्मिकों का उक्त पंजीकरण करवाने अनिवार्य रूप से करवाकर सूचना मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को निम्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तो ये अगले 7 दिन के अंदर जो है ये रजिस्ट्रेशन किया जाना है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि ये सूचना का फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में सूचना भेजनी है, तो ये संस्था प्रधान का काम है। ये तो बाकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सभी को करना है, जिस भी कैटेगरी के जो कार्मिक हैं, चाहे वो व्याख्याता हों, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, तो उस तरह से उनका सबका एक ग्रुप भी है अलग से। और ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं पूरा, और इसके बाद में ये रजिस्ट्रेशन के संबंध में और लिखा हुआ है कि 16 मई 2024 को आयोजित वरिष्ठ अधिकारीगण की मीटिंग के तहत प्रति संलग्न का निर्देश अनुसार लेख है कि कार्यवाही विवरण के बिंदु संख्या 01 के अनुसार प्रकरण में स्कूल शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण या कर्मचारीगण कर्मयोगी मिशन के तहत आगामी 7 दिवस में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना है। अतः प्रकरण में तहत उपरोक्त अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी या कर्मचारियों का कर्मयोगी मिशन के तहत आगामी 7 दिवस में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना सुनिश्चित करें। तो ये नोटिफिकेशन कंप्लीट है यहाँ तक, तो ये तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये इसका कुछ फॉर्मेट भी यहाँ पे दिया हुआ है कि ये आई गॉट कर्मयोगी के नाम से एक ऑफिशियल साइट है, जिसका फॉर्मेट जो है वो कुछ इस तरह से खुलेगा, वो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा कि इस तरह से रजिस्ट्रेशन जो करना है वो आपको, ये इसका अलग पोर्टल है आई गॉट कर्मयोगी का, जिसमें कुछ इस तरह का फॉर्मेट रहेगा और ये फॉर्मेट जो है वो आपको भरना है। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे नेम है, फिर उसके अलावा जो भी ये पॉइंट्स हैं ये ग्रुप भरना है, फिर ईमेल, गवर्नमेंट ईमेल आईडी भरनी है इसमें, और उसको वेरीफाई करना है ओटीपी के थ्रू, उसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर को ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना है, उसके बाद में आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस भी गवर्नमेंट में काम करते हैं तो उस तरह से उस इंटरफेस को सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी है कि जैसे हम राजस्थान स्टेट के कर्मचारी हैं तो यहाँ राजस्थान शिक्षा विभाग का नाम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे ये जो है इंस्ट्रक्शन है, इनको टिक करते हुए जो है फाइनल सबमिट हमको करना है। तो ये प्रोसेस है इसका, और अब ये ऑफिशियल साइट पे किस तरह से भरा जाएगा वो भी आप देख सकते हैं एक बार। तो गूगल क्रोम में जाके आपको सर्च करना है आई गॉट कर्मयोगी। तो रजिस्ट्रेशन के 2 प्रोसेस हैं, एक इसका डायरेक्ट लिंक भी है जो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जो डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप गूगल क्रोम पे सर्च कर सकते हैं आई गॉट कर्मयोगी और वहाँ पे आपको इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो यहाँ पे इस तरह शो कर जाएगी, जिसको सेलेक्ट करना है और ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा इसका। यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 ऑप्शन है, लॉगिन और रजिस्टर। तो हमको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्टर पे टिक करेंगे और उसके बाद में जैसे वहाँ हमको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाया हुआ था जिस तरह का इंटरफेस, वो इंटरफेस जो है वो आप देख सकते हैं कि ये इंटरफेस इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आपको डिटेल्स भरनी है, यहाँ फुल नेम मींस जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स में नेम है वो नेम आएगा, और यहाँ पर ग्रुप, तो ग्रुप के अंदर इसमें कैटेगरीज हैं जो आपको भरनी है। तो ग्रुप का डिटेल आप देख सकते हैं कि ए ग्रुप में है जो राज्य सेवा के कर्मचारी हैं वो ग्रुप ए सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह से कुछ ग्रुप्स लिखे आएंगे, तो हमको सेलेक्ट कौन सा करना है कि राज्य सेवा के कर्मचारियों के लिए ग्रुप ए है,
और जो अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी हैं वो बी ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, मंत्रालय कार्मिक के लिए ग्रुप सी और चतुर्थ श्रेणी या संविदा कर्मियों के लिए ग्रुप डी सेलेक्ट करना है। इस तरह से ये ग्रुप सेलेक्ट करने हैं जो भी आपका ग्रुप है। और यहाँ पे आपको ईमेल डालनी है। अब वो ईमेल कौन सी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, डू यू हैव अ गवर्नमेंट ईमेल एड्रेस, कि जो गवर्नमेंट ईमेल आईडी है वो आपको डालनी है। तो वो गवर्नमेंट ईमेल आईडी आपको मिलेगी कहाँ से, उसका एक अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं कि आपको एसएसओ पोर्टल पे जाना है। एसएसओ पोर्टल पे आपको वहाँ पे राज ईमेल के नाम से एक ऐप शो होगा, तो उसमें आप जाके और चेक कर सकते हैं। वो पूरा प्रोसेस जो है वो दूसरी वीडियो में है, वो आप देख सकते हैं कि उस ऐप में जाके वहाँ आप देख लेंगे कि अगर आपकी आईडी शो कर रही है तो आप वहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे लिख सकते हैं उसको। अगर वो आईडी जनरेट नहीं है तो वहाँ से वो आईडी जनरेट भी हो सकती है। तो उसका उसमें कुछ डिटेल्स फिलअप करनी है और आईडी आपकी जो गवर्नमेंट ईमेल आईडी है वो जनरेट हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर ये ईमेल, जब यहाँ पर हम ईमेल एड्रेस भरेंगे तो ईमेल एड्रेस भरने के बाद में यहाँ पे हमको ओटीपी से उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। जो हमारे पास हमारी जो ईमेल आईडी है उस पर ओटीपी आ जाएगा, उसके बाद में हमको हमारा मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर भी हमको ओटीपी से वेरीफाई करना है। उसके बाद इस सेंटर या स्टेट्स सेलेक्ट करना है, तो हम जैसे राजस्थान गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो हमको स्टेट पर सेलेक्ट करना है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है कि हम शिक्षा विभाग है तो हम यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऑर्गेनाइजेशन पे जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पे आप राजस्थान जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे कि कुछ इस तरह से, राजस्थान काउंसलिंग ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो उसके हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे ये दोनों जो कॉलम्स हैं इनमें टिक करना है और उसके बाद करना है साइनअप। तो जैसे ही आप ईमेल और मोबाइल दोनों के ओटीपी से आप वेरीफाई करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वाले कॉलम में जो राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कि वहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा, इट मींस आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है और सबमिट हो चुका है। तो आपका फॉर्म है जो फिलअप हो जाएगा। बस आपको जो ईमेल एड्रेस है वो गवर्नमेंट ईमेल एड्रेस डालना है, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन में भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट जीमेल आईडी के लिए आपको एसएसओ पोर्टल पर जाना है और एसएसओ से राजमेल में G2G एप्लीकेशन में, तो वहाँ से आपको राजकीय मेल और उसका एक्सेस जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से जो आपका ये रजिस्ट्रेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव रहेगी आपके लिए। तो इसी तरह के और वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।